हेलो स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड एग्जांपल नंबर 5, 2 बाय 5 माइनस 3 बाय 7 माइनस 1 बाय 14 माइनस 1 बाय 3 बाय 7 इनटू 3 बाय 5 एग्जांपल नंबर 5 है। तो फर्स्ट स्टेप में 1 बाय 14 पीछे कर देते हैं, इसको आगे ले लेते हैं, तो 3 बाय 7 वाला टर्म साथ में आ जाए, 2 बाय 5 इनटू माइनस 3 बाय 7 माइनस 3 बाय 7 इंटू 3 बाय 5 माइनस 1 बाय 14 कॉम्यूटेटिविटी से हमने आगे पीछे किया, बराबर कॉम्यूटेटिविटी। तो इसको प्लस करके माइनस 3 बाय 7 कर दें, 2 बाय 5 माइनस 3 बाय 7 प्लस माइनस 3 बाय 7 प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। ये माइनस टू प्लस माइनस का माइनस इंटू 3 बाय 5 माइनस 1 बाय 14। ओके, अभी 3 बाय 7 माइनस 3 बाय 7 कॉमन निकलेगा, तो माइनस 3 बाय 7 हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 बाय 5 बचता है, यहाँ से क्या बचता है, 3 बाय 5 माइनस 1 बाय 14, तो माइनस 3 बाय 7 2 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस 1 बाय 14, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 बाय 5 माइनस 3 बाय 7 5 बाय 5 माइनस 1 बाय 14 5 बाय 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 1 5 ओके, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 3 बाय 7 मिलेगा सर, तो माइनस 3 बाय 7 इनटू 1 तो माइनस 3 बाय 7 आएगा माइनस 1 बाय 14, तो 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 7 के टेबल में आएगा 14, तो 7 टू जा 14 माइनस 3 बाय 7 7 टू जा आएगा 14 माइनस 1 बाय 14, तो माइनस 3 टू जा क्या हो जाएगा 6 6 बाय 14 माइनस 1 बाय 14 माइनस 6 माइनस 1 बाय 14 माइनस 7 बाय 14, तो 7 1 जा 7 टू जा माइनस 1 बाय 2 आंसर। ओके, और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉम्यूटेटिविटी की वजह से हमने क्या करते हैं, माइनस 1 बाय 14 पीछे कर दिया और इस ये टर्म भी आगे गया, राइट, इसको माइनस ब्रैकेट में रख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप प्रेजेंट स्ट्रक्चर लिखा, सेकंड स्टेप में क्या किया, प्लस और माइनस कर दिया और 3 बाय 5 लिखा और माइनस 1 बाय 14 लिखा। ओके, फिर ये दोनों में से हमने माइनस 3 बाय 7 कॉमन निकाला तो क्या आया, 2 बाय 5 3 बाय 5 माइनस 1 बाय 14। इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी 3 प्लस 2 तो क्या लगेगा, बराबर दोनों का, दोनों लाइक फ्रैक्शन से, लाइक फ्रैक्शन से इसने प्लस कर सकते हो, तो प्लस 3 बाय 5 तो 5 बाय 5 5 इन द 5 होगा, राइट, 3 बाय 7 को कुछ नहीं करना है, 3 बाय 7 का एलसीएम रहेगा इंटू 1 माइनस 1 बाई 14 माइनस 3 बाई 7 बन जा माइनस 3 बाई 7 माइनस 1 बाई 14। अभी 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 7 के टेबल में 14 आता है तो एलसीएम 14 आएगा, तो अपॉन में क्या लाना है हमें, अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन करना है, 7 और 14 है तो अनलाइक फ्रैक्शन है, तो उसको अपॉन में 14 ला के क्या करेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या 7 टू जा ऊपर नीचे उसे मल्टीप्लाई किया 14 को, तो कुछ करना नहीं है तो इंटू 1 कर देंगे, 14 बन जाए 14 होगा एलसीएम 14 है तो, राइट, अपॉन में 14 ही लाना है, तो 3 टू जा 6 माइनस 1 बाई 14 और यहाँ पर भी 14 है। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन हो गए, अभी ये दोनों को प्लस कर सकते हैं हम, तो माइनस 6 माइनस 1 तो माइनस 6 माइनस 1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 7 तो माइनस 7 बाई 14 तो 7 टू जा 14 तो माइनस 1 बाई 2 आंसर। ओके, तो ऐसे एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट टाइम करेंगे हम।